आर्द के प्रिय छात्रों, आज हम आपको काव्य प्रकाश में लक्षणा के विषय में कुछ बताएंगे। आपने इससे पूर्व लक्षणा वृत्ति का सामान्य लक्षण पढ़ा था, अर्थात लक्षणा मुख्य रूप से उसका लक्षण क्या है, सामान्य लक्षण क्या है। तो वहाँ पर तीन शर्तों वाली एक परिभाषा दी गई थी और उसमें लक्षणा का स्वरूप बतलाया गया था, यानी मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्षते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। वहाँ पर लक्षणा का स्वरूप तो था कि लक्षणा एक आरोपिता क्रिया है, आरोपिता का मतलब कल्पिता क्रिया है, और उसके लिए तीन प्रकार की शर्तें बहुत आवश्यक होती हैं, मुख्यार्थ बाध, तद्योग और रूढ़ी और प्रयोजन, इन दोनों में से किसी एक का होना। यह लक्षण बता करके फिर वहां पर दो उदाहरण दिए गए थे। एक उदाहरण तो कर्मणि कुशलः और दूसरा गंगायाम घोषः, जहां पर उन तीनों शर्तों का अनुपालन हुआ था, इस कारण से विलक्षणा की उदाहरण बन जाते हैं। दो उदाहरण देकर के उसके बाद में आचार्य मम्मट लक्षणा के भेद करना प्रारंभ कर रहे हैं। अब वो भेद बताते हुए तथा भेदों के लक्षण करते हुए अगली कारिका में कहते हैं, स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेत युक्ता शुद्धैव साद्विधा। अर्थात वह जो शुद्धा लक्षणा है दो प्रकार की कही गई है, एक तो अपनी सिद्धि के लिए दूसरे का आक्षेप और दूसरे के लिए अपना समर्पण। ये दो भेद वास्तव में उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के नाम से जाने जाते हैं। देखिए यहाँ पर इसका हम अन्वय करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, स्वसिद्धये पराक्षेपः उपादानम् परार्थम स्वसमर्पणम् लक्षणम् च इति सा शुद्धा एव द्विधा। अर्थात वह शुद्धा लक्षणा ही दो प्रकार की हुई है, उस शुद्धा लक्षणा के दो भेद हुए हैं, एक तो उपादान लक्षणा और दूसरा लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा का मतलब क्या है, स्वसिद्धये पराक्षेपः, स्वस्य सिद्धि इति स्वसिद्धि, अर्थात स्वयं की सिद्धि स्वसिद्धि कहलाती है, तस्यै इति स्वसिद्धये, अपनी सिद्धि के लिए ही जो होता है क्या, पराक्षेपः दूसरे का आक्षेप, अर्थात अपनी सिद्धि के लिए दूसरे का आक्षेप कर लेना, यानी जहां पर मुख्यार्थ स्वयं को छोड़ता नहीं है और मुख्यार्थ की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का जहां पर आक्षेप कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, ऐसी जो लक्षणा होती है वह आक्षेप वास्तव में लक्षणा वृत्ति के द्वारा ही होती है। तो उस आक्षेप का ग्रहण जिस लक्षणा से होता है उस लक्षणा को उपादान लक्षण कहा जाता है। और इसी प्रकार से परार्थम स्वसमर्पणम लक्षणम, परार्थम यानी अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए, स्वसमर्पणम अपने अर्थ का समर्पण कर देना जिस लक्षणा के द्वारा संभव होता है उस लक्षणा को लक्षण लक्षणा कहा जाता है। तो इस प्रकार से वह शुद्धा लक्षणा ही दो प्रकार की हुई है, कहने का मतलब यह है। यहाँ पर हमें बहुत ही सावधानी के साथ में इन दोनों उदाहरणों को समझने की आवश्यकता है। वास्तव में आचार्य जो मम्मट है काव्य प्रकाश के लेखक, उन्होंने इस दसवीं कारिका में प्रारंभ करके और आगे की तीन कारिकाओं में लक्षणा के भेद बतलाए हैं, और इस ग्रंथ का मुख्य विवेच्य ध्वनि सिद्धांत है।
और उसको ठीक रूप में समझने के लिए लक्षणा का लक्षण ही प्रयोजनी नहीं है, अपितु उसके भेदों का ज्ञान भी अविवक्षित वाच्य ध्वनि के अर्थांतर संक्रमित इत्यादि जो भेद हैं उनको जानने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दो प्रवृत्ति निमित्तों का मूल क्या है, ऐसा प्रश्न उठता है, तो नवी कारिका में भी लक्षणा के दो प्रवृत्ति निमित्तों का उल्लेख करके आचार्य मम्मट ने लक्षणा के दो स्थूल भेदों की ओर संकेत कर दिया था, यानी निरूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। इन दोनों भेदों का विवेचन कुमारिल भट्ट की प्रसिद्ध कारिका में भी हुआ है। उन्होंने लिखा है, निरूढ़ा लक्षणा काश्चित सामर्थ्यादभिधानवत् क्रियन्ते साम्प्रतम काश्चित काश्चिन्नैव त्वशक्तितः। मम्मट ने दोनों भेदों के उदाहरण भी परंपरागत ही दिए थे। इनके अनुसार निरूढ़ा लक्षणा का उदाहरण है कर्मणि कुशलः और प्रयोजनवती का उदाहरण है गंगायाम घोषः। कर्मणि कुशले का अनेक आचार्यों ने यद्यपि खंडन किया है, लेकिन इस खंडन को केवल खंडन के लिए ही करना यह भी ठीक नहीं है। अब आगे यहाँ पर इन्होंने जो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा दो भेद किए हैं उनके उदाहरण देते हुए यहाँ पर ये कहते हैं कि कुंता प्रविशन्ति यष्टय प्रविशन्ति इत्यादौ कुंतादिभिः आत्मनः प्रवेशिध्यर्थं स्वसंयोगिनः पुरुषा आक्षिप्यन्ते तथा उपादानेन इयं लक्षणा। कुंता प्रविशन्ति अर्थात भाले घुस रही हैं, भाले प्रवेश कर रही हैं। यष्टयः प्रविशन्ति छड़ियां घुस रही हैं, यष्टि का मतलब छड़ी या डंडा, लकड़ियां डंडे इत्यादि में भाला इत्यादि के साथ अपने प्रवेश की सिद्धि के लिए अपने संयोगी पुरुषों का आक्षेप कर लिया जाता है, इसे यह उपादान लक्षणा है। ये उपादान लक्षणा के दो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। साहित्य शास्त्र व्याकरण शास्त्र का अनुगामी है, यह बात साहित्य शास्त्र के प्रतिनिधि आचार्यों एवं स्वयं मम्मट ने स्वीकार की है। इसीलिए प्रस्तुत प्रकरण में लक्षणा के उदाहरण भी व्याकरण शास्त्र से लिए गए हैं। महाभाष्यकार ने पुंयोगादाख्यायाम सूत्र के भाष्य में कुंतान प्रवेशय यष्टि ही प्रवेशय इत्यादि उदाहरण पेश किए हैं, तो वे ही उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। उन्हीं के आधार पर यहाँ पर मम्मट ने उपादान लक्षणा के दो उदाहरण दिए हैं। वे कुंता प्रविशन्ति अर्थात भाले प्रवेश कर रहे हैं और यष्टय प्रविशन्ति यानी छड़ियाँ घुस रही हैं। यहाँ पर यह बात सर्वथा असंभव है कि भाले और छड़ियाँ प्रवेश कर सकें, क्योंकि प्रवेश करना तो चेतन का धर्म होता है, किसी अचेतन का धर्म नहीं है। भाले और छड़ी ये दोनों अचेतन पदार्थ हैं, इन दोनों के द्वारा प्रवेश होना संभव नहीं है, अतः शक्यार्थ का बाद हो जाता है, अर्थात मुख्यार्थ का या वाक्यार्थ का वाच्यार्थ का बाद हो जाता है और उसके स्थान पर जो लक्ष्यार्थ है वह आ जाता है। यानी भाला वाले आदमी या छड़ी वाले आदमी या छड़ी को धारण करने वाले या भाला को धारण करने वाले जो पुरुष हैं वे प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाला और छड़ी शब्द अपने अपने अर्थ की पूर्ति के लिए स्वसंयुक्त पुरुषों का आक्षेप कर लेते हैं और अपना भी अर्थ नहीं छोड़ते, क्योंकि पुरुषों के साथ भाले और छड़ियों का प्रवेश भी होता ही है। यह लक्षणा दूसरे अर्थ के उपादान यानी ग्रहण के द्वारा होती है। उपादान लक्षणा का मतलब ये होता है, अतः इसे उपादान लक्षणा कहा जाता है।